अब हमने कर लिया अर्थ का स्पेल, अब हम आते हैं एयर स्पेल पर। एयर स्पेल कैसे होता है? स्टैंड इन एन ओपन स्पेस। अच्छा एक मैं वैसे बहुत मजेदार बताती हूँ, उसके अंदर नहीं लिखा एयर स्पेल। आप क्या कीजिए, कहीं भी ओपन स्पेस में, बालकनी में, कहीं भी अपने या छत पे जाके खड़े हो जाइए, ठीक है? ओपन योर हैंड, ओपन योर हैंड, क्लोज योर आईज और विजुअलाइज कीजिए सारी की सारी हैप्पीनेस आपके ऊपर आए जा रही है, आए जा रही है, आए जा रही है। एयर आपको ट्रांसफर कर रहा है हैप्पीनेस फ्रॉम ऑल अराउंड टू यू। आप एक बार खोल के हाथ खड़े होंगे ना, सबसे पहले तो आपको हेजिटेशन होगी, क्योंकि हमें रिसीव करने की आदत नहीं होती। जब हम एयर से ये सब चीजें, क्योंकि एयर में तो सब कुछ होता है, जब हम एयर से ये सब चीजें रिसीव करते हैं ना, एक्चुअली हमारा तब रिसीविंग मोड शुरू हो जाता है। तो अभी हम ये छोटे सी एक बार प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिस करते हैं। चलिए आप सब ओपन योर हैंड्स, कम ऑन, अच्छे से टेक अ डीप बहुत ब्रीथ। एनर्जी है मैम, बहुत नहीं, एनर्जी। पूरा पूरा ओपन योर हैंड्स, जितना आप समेटना ओके चाहते हैं ना, ना 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 नंदनी जी, ओपन योर हैंड ऐसे पूरी खोल लीजिए, शोल्डर से भी खोल ऐसा लीजिए ऐसा। ओके लुक अबव, अब हवा से बातें कीजिए, टेक अ डीप ब्रीथ, विजुलाइज आपकी हवा में, चारों तरफ हवा में बहुत सारी सक्सेस और हैप्पीनेस है। आस्क द एयर टू ब्लेस यू विद ऑल द हैप्पीनेस और विजुलाइज कीजिए आपके ऊपर आए जा रही है हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सब आपके ऊपर बरस रही है, आप उसको सोक कर रहे हैं, बस सोक करते रहिए। थैंक यू एयर फॉर ब्लेसिंग अस विद दिस डिवाइन एनर्जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ब्रीथ इन दिस एयर, लगा खुलापन मिला? जितना ज्यादा स्ट्रेच करोगे हाथ उतना ज्यादा रिसीव होगा, हुआ रिसीव? हवा में सब कुछ है, हुआ दीपिका जी रिसीव? यस मैम, आदत नहीं है ना, हैंड ज्यादा स्ट्रेच हो गए। है ना, एक्चुअली हमें ना रिसीव करने की आदत नहीं है। एयर जो है ना वो देती है, एयर सर्कुलेट करती है, जहां पे स्टैग्नेशन हो जाती है फिर वो एयर नहीं रह जाती, वो वैक्यूम क्रिएट कर देती है। लेकिन एयर का मतलब ही मूवमेंट है, वो हर जगह से इकट्ठा करेगी आपको लाके देगी, फिर इकट्ठा करेगी आपको लाकर देगी, कंटिन्यूएशन में। सबसे बड़ी पावरफुल चीज है एयर, राइट? तो आप इसको प्लीज ये सारी चीजें प्रैक्टिस कीजिए, कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल टेक्निक्स है, आपको ना कुछ लेना ना देना, एयर तो आपके पास अबंडेंटली अवेलेबल है, विदाउट एयर तो वी कैन नॉट सर्वाइव, है ना? चलो थोड़े से रिचुअल्स देखते हैं एयर के। स्टैंड इन एन ओपन प्लेस, होल्ड द एप्रोप्रिएट एनचॉन्टेड हर्ब्स इन योर पावर हैंड एंड फेसिंग नॉर्थ, ब्लो अ लिटिल ऑफ देम टू दैट डायरेक्शन, टर्न ईस्ट। देखिए अब ये एयर स्पेल क्या कर रहा है, आपको हर डायरेक्शन में अपने कोई भी विश लेके, आपने कोई भी एक एंचांट, जैसे बेजी ली है आप या फिर सिनेमन है, सिनेमन आपने प्रोस्पेरिटी के लिए उसको एंचांट किया, ठीक है? सबसे पहले नॉर्थ की तरफ खड़े हुए आपने ब्लो कर दिया, फिर ईस्ट की तरफ खड़े हुए ब्लो कर दिया, साउथ ऐसे साउथ में ब्लो कर दिया, वेस्ट में ब्लो कर दिया, ठीक है? विजुअलाइज योर नीड स्ट्रांगली ऑल द वाइल स्टैंडिंग इन इट्स वर्ड इफ यू विश। आपको ना अपनी नीड को फुलफिल होते हुए देखना है, चारों दिशाओं में आपने ये मैसेज पहुंचा दिया कि दिस इज माय विश, नाउ यू नीड टू फुलफिल इट। ये सारी चीजें ना पुराने लोग करते थे, हर्ब्स ऐसे ही काम करती हैं, हमें नेचर की चीजें नेचर में पहुंचानी है, क्योंकि तो जो नेचर की लैंग्वेज है ना वो नेचर ही समझ सकती है, हर्ब्स जो एक नेचुरल प्रोडक्ट है उसकी लैंग्वेज ना वो पूरी नेचर ही समझेगा, ठीक है? हमें कुछ भी आर्टिफिशियल चीज नहीं करनी है, हमें नेचर की चीज नेचर की भाषा में नेचर में ही पहुंचानी है। तो दिस इज हाउ आपका बहुत जल्दी होगा ऐसे ही।